सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। स्पीकर साहब, सब तो पहला तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि साढ़े चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने यह जिहड़ा मता लिआंदा उहदी प्रोड़ता लई मैं खड़ा होया, क्योंकि इतिहास नाल जुड़िया हुई गल्लां भी बहुत हो गई। सरदार प्रजोत सिंह जी, तुहाडा बड़ा सत्कार है, तुहाडियां हरेक गल दे विच मोती किरदे आ। समा तुहाडा पार्टी दे मैंबर सारे पहले लै चुके, हुण तुहानूं जिहड़ा ना मैं जे कहो दिता जा रहा, जे कहो तां नहीं फिर नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बोलो जी। मैं तां गल ही ओनी क नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। बीते समय तो आप सीख सकते हैं, आने वाले समय को विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो करना होंदा वो वर्तमान समय दे विच करना होंदा, क्योंकि सब तो पावरफुल समय ही वर्तमान समा होंदा। तो अमन जी ने भी, साढ़े प्रोफेसर बलजिंदर कौर जी ने भी वाहवा टोटके जो लाए, पता नहीं ये खैर खरे पिछली विधानसभा तो कई चीज़ा सीख के आए। असी कहिंदे सी भी ना ये कैरी फॉरवर्ड होण, ते आपां बड़े वधिया माहौल दे विच, क्योंकि जिहड़े सार्थक चीज़ा गल करन वाली आ, क्योंकि जिन्हां ने कीता वो रहे नहीं इत्थे, क्योंकि समा बीत जाणा हुंदा, समय ने अपनी करवट लैणी हुंदी आ। मैं पहले दिन भी इक्को ही गल कही सी कि आपां सारे जिहड़े अज दी गल कर लईए, क्योंकि मान साहब कोल बहुत ही जिहड़े आ उह लाइबिलिटी नहीं हैगी, सारे एसेट ही है, क्योंकि अज शुरू होनी आ। ते स्पीकर साहब, एक गल मैं जरूर तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा, क्योंकि जदों कोई इधर मैंबर बोलदा ते तुसीं कहिंदे आ भी सिर्फ मते वाली गल ही कर लो, जदों तुसीं उधरों गल कराउंदे आ फिर उह सारा ही जिहड़ा, क्योंकि जे तां आपां इदां दी परंपरा तोड़नी आ, क्योंकि चाहे तां कब्जे जिहड़े हो रहे आ, क्योंकि इह समां हौली हौली लंघ जाणा, चाहे जे प्राइवेट स्कूलों की गल भी हुई है, क्योंकि हुण तक तो एडमिशन हो चुकी आ, पैसे लोग भर चुके आ, एक साल बाद होनी है जिहड़ी अज असी गल कर रहे हैं। और जिहड़ी पंचायतों के विच, क्योंकि जिहड़े काम भी होए आ, मैं नहीं कहिंदा, मैं कहिंदा मान साहब जिहड़े कोई कांग्रसी भी पुट्ठा काम करदे आ सारे टंग दिओ, मैं नहीं कहिंदा, मैं तां उस गल की जिहड़ी चंगी गल होगी उहदी सराहना करूंगा कि हाँ भी आ गल, जे कोई होर पार्टी का भी हैगा जिहड़ियां पिछलियां गल्लां होईयां आ, भावें जो मर्जी कर दिओ, जिहड़ा जिहड़ा भी जिहड़े जिहड़े काम का भागीदार होगा उहनूं जरूर ठोको, मैं नहीं कहिंदा, मैं क्योंकि तुहाडी स्पिरिट की कदर भी करदा, क्योंकि मैनूं पता कि आपां इस पंजाब दे अज कस्टोडियन है, क्योंकि जिहड़ी वर्तमान समय की गल होनी आ सब तो इंपोर्टेंस, सब तो महत्ता उहदी ज़्यादा, क्योंकि साढ़े पानी खोए गए, साढ़े BBMB के जिहड़े इशूज़ हैगे वो खड़े आ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी बैठी आ, कोई होर चार सियाने बंदे लै लिओ जिन्हां नूं सारी बैकग्राउंड का पता हैगा, इहदा कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि मैं भी पिछले 10 सालों च इस हाउस का मैंबर हाँ, क्योंकि रेजोल्यूशन कित रेजोल्यूशन ना रह जाए, गल तो इन्नी आ, क्योंकि नहीं तो असली गल है 3 जिहड़े बिल आ वह भी पास हो जाने सी जे किसान कितने 1 साल उत्थे ना बैठ दे, क्योंकि शायद हालात इहो जिहे बनते जा रहे आ जिथे शायद ये रेजोल्यूशनस की, क्योंकि अल्टीमेटली है तो यह 3 करोड़ लोगों के चुने हुए नुमाइंदा का रेजोल्यूशन है और ये एक्ट करना चाहिए, बट समय समय से एक्ट नहीं होंदा, शायद पंजाब नू उस नज़रिए ना देखिया नहीं जाता। तो मान साहब, मैं एक दिल्ली बारे गल कही सी, दिल्लियां 2 नहीं हैगी, दिल्लियां 1 ही आ, कितने आने वाले समय च तुसीं भी भांपोंगे इस गल नू, ते सारे भांपांगे आपां भी सारे, क्योंकि जिहड़ा उत्थे चले जांदा ना ते उहनू किते ना किते इस गल दी, मैं तां कंकलूड ही करन लगा भी आपां सारे इस गल ते पहरा दे लईए, रूपरेखा तुसीं बना लो, सानू जिथे खड़े करोगे असीं तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े होवांगे, क्योंकि ये जिहड़े हौली 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 है UT दे सिस्टम का भी जिहड़ी 60-40 की रेशो सी उहदा फसाड़ ही रह गया थल्लों, सारा कुछ इन्हां ने ऑलरेडी कढ लिया हैगा, उहदे विच समें समें दीआं सरकारां जिहड़ियां
ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸਲੇਟ ਵਾਂਗੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਾਂਹ ਤੋਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।